नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते का स्मैकडाउन का शो हमें काफ़ी टफ और काफ़ी इमोशनल शो देखने को मिला। हर रेसलिंग फैन, हर रेसलिंग सुपरस्टार के लिए इस शो को देखना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रिब्यूट शो देखने को मिला था टेरी फंक और वन एंड ओनली द फिंड ब्रे वाइट के लिए। दोस्तों मैं आपसे को ये बता दूं कि WWE ने अभी डिसाइड किया है ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने के लिए और भी शोज के अंदर, जहां पर दोस्तों पेबैक तक हमें ऐसे ही ट्रिब्यूट शोज देखने को मिलने वाले हैं ब्रे वाइट के लिए। और स्पेशली दोस्तों जॉन सीना, जो कि अगले हफ्ते हमें स्मैकडाउन के शो के अंदर अपना रिटर्न करने वाले हैं, वहां पर हमें जॉन सीना देखने को मिलेंगे। तो वहां पर दोस्तों जॉन सीना एक स्पेशल तरीके से ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने वाले हैं। हालांकि दोस्तों रेसलिंग फैंस और रेसलिंग के जो भी सुपरस्टार्स हैं वो अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस के जरिए, अपनी फोटोज के जरिए, अपने कैप्शंस के जरिए ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लेकिन जॉन सीना स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर एक स्पेशल तरीके से ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने वाले हैं। और WWE ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है कि ब्रे वाइट के जो भी ट्रिब्यूट शोज हैं वो हमें स्टिल ऐसे ही आगे भी देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों WWE ने अभी ये भी और एक अच्छा काम किया है कि ब्रे वाइट की जो भी मर्चेंडाइज है वो जितनी भी अभी सेल होने वाली है, उनकी जो अमाउंट होगी, उनका जो पैसा होगा, वो ब्रे वाइट की फैमिली को दिया जाएगा बिना किसी कट ऑफ के। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी पैसा होगा वो सीधा ही ब्रे वाइट की फैमिली को मिलने वाला है, तो WWE की तरफ से काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। और द वन एंड ओनली फिंड ब्रे वाइट अब हमारे बीच में नहीं है। रेस्ट इन पीस ब्रे वाइट, और वी विल मिस यू फॉर एवर। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स के अंदर आप सभी ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय।